हेलो एवरीवन, मैं मंजू और आज मैं फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास घर में चूड़ियाँ बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, तो जिससे हम समझ में नहीं आता कि इसका क्या करें। तो ऐसे ही मेरे पास भी बहुत सारी चूड़ियाँ थी जो इकट्ठी हो गई थी, तो उसका ही मैंने ये क्राफ्ट जो बनाया है उसे मैं शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने इससे और कलरफुल मेरे पास थ्रेड्स थे उससे मिला के मैंने एक झूमर बनाया है, कलरफुल झूमर है, उसी को मैं उसका ही वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ। तो वैसे तो फ्रेंड्स, चूड़ियों से बहुत सारे क्राफ्ट बनते हैं और मैंने भी बनाए हैं कुछ जिसे मैं शेयर करूँगी, लेकिन ये मैंने रिसेंटली बनाया इसलिए इससे सोचा कि मैं इसका स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूँ कि इससे मैं शेयर करूँ। तो ये आप भी इसे बना सकती हैं, बहुत ईजी है बनाना। बस हमें पुरानी चूड़ियाँ चाहिए और कुछ कलरफुल धागे चाहिए जिससे कि हम अपने घर को सजाने के लिए ये खूबसूरत सा झूमर बना सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है बनाना, क्योंकि ये जब मेरी एक ग्रैंडडॉटर हुई थी 2020 में, तो उसके लिए भी मैंने ये बनाया था और वो जहाँ पे सोती थी उसके बेड पे के ऊपर मैंने जब लगाया था तो उससे ये बहुत खेलती थी, बहुत उसे पसंद था, कलरफुल था, तो इसलिए वो उसको देखती रहती थी। इसलिए मुझे भी ये बहुत पसंद आया और सोचा कि मैं एक और बना लूं, तो इसलिए इसे मैंने बनाया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे बना है। तो आप भी जब भी आपके पास भी कुछ भी थोड़ा सा समय खाली हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही अगर बनाएं इसे तो आप बन जाएगा, बना लेंगी जैसे कि मैंने बनाया है। मैं भी जब कुछ मेरे पास टाइम बचता है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है घर का, फिर जो भी समय मेरे पास बचता है मैं उसमें टीवी देखती हूँ और इसे मैं बनाती भी रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। और ये इसको बनाना इतना इजी है और बनाने के बाद आप कहीं भी इसे लगाइए, अपने बालकनी में लगाइए या खिड़की पे लगा दीजिए या एंट्रेंस पे लगा दीजिए, जहाँ भी लगा दीजिए, ये बहुत खूबसूरत लगते देखने में। कलरफुल धागों से बना है इसलिए इसे चाहे तो एक तरह के भी धागे से बन सकता है, किसी एक कलर के धागे से भी, लेकिन कलरफुल बनाने से ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो देखिए, ये थोड़ी सी मेहनत से कितनी सुंदर चीज़ एक तैयार हो गई जिसे कि हम अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं और घर की खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये अच्छा लगा हो आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ ऐसा और लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे अचानक मुझे ये ध्यान आया कि क्यों ना मैं ये छोटा सा जो क्लिप है मेरी ग्रैंड डॉटर का, जिसे जिसके लिए मैंने ये बनाया था पहले, तो वो मैं वीडियो क्लिप मैंने सोचा कि शेयर करूं। तो ये मैंने बनाया था उसके क्रिब पे लगाया था और जहाँ पे वो बेड पे सोती थी वहाँ पे लगा दिया था। तो उसको ये देख के बहुत खुश होती थी और बहुत देर तक उसको देखती रहती थी, तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे शेयर करूं। तो आप भी इसे इंजॉय कीजिए एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।